रेलवे की तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी की गई है, जिसके अनुसार 7 मई से एक नई ट्रेन का संचालन हो जाएगा चालू, और इस वीडियो के माध्यम से ट्रेन के रूट, शेड्यूल और अन्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले, हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल उत्तर मध्य रेलवे के झांसी रेलमंडल ने ग्वालियर से इटावा के बीच नई मेमू ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। यह ट्रेन आगामी 7 मई से चलना शुरू हो जाएगी। पहले दिन इस ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन 8 मई से यह ट्रेन नियमित चलने लगेगी। यह ट्रेन सुबह व शाम में चलेगी और इसकी टाइम टेबल भी जारी कर दी गई है। मेमू ट्रेन ग्वालियर से चलकर बिरला नगर, मालनपुर के रास्ते होते हुए इटावा पहुंचेगी। ग्वालियर से यह ट्रेन शाम 5:30 पर रवाना होगी और इटावा रेलवे स्टेशन यह ट्रेन उसी दिन रात में 9:30 पर पहुंचेगी। इटावा से यह ट्रेन सुबह 7:10 पर चलकर 11:30 पर ग्वालियर पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से अप और डाउन के रहने वाले कई लोगों को सुविधा हो पाएगा और साथ ही कनेक्टिविटी बेहतर बन पाएगा। इस ट्रेन से अप डाउन करने वाले यात्रियों को सफ़र करने का सुविधा मिलेगा और लंबे समय से इस ट्रेन को चलाने की भी मांग की जा रही थी। रेलवे बोर्ड ने मेमू ट्रेन चलाने की स्वीकृति दी थी, लेकिन इस ट्रेन का रैक भी मंडल के पास उस समय नहीं आया था, जिस वजह से ट्रेन के संचालन में देरी हो रही थी। लेकिन अब 7 मई से इस ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इस ट्रेन के यात्रियों को सुविधा मिलेगा। और सुविधा के बारे में बात करें तो इस ट्रेन में 8 कोच लगे रहेंगे जो कि इलेक्ट्रिक इंजन से चलाई जाएगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो को शेयर करें और नई ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।